मिर्जा असमतुल्ला बेग मेरा नाम है। ये थायराइड का प्रॉब्लम था हमारे मिसेस को, तो कोई लोग मेरे को बोले कि डॉक्टर मजरूल हसन साहब पास वहाँ पे इंशाल्लाह फायदा होगा बोल के बोले, क्योंकि ये जो राइट साइड की जो राम थी ना उसमें बाढ़ काफी तकलीफ होती थी उनको। थायराइड की गोली खा रहे हैं अब? बिल्कुल नहीं खा रहे थायराइड, इतने महीने वहाँ छोड़ गए, तकरीबन 4 मंथ्स हो गए। आज ये जो बीमारी है जड़ पेड़ से उखड़ गई। वजीर आला KCR ने हैदराबाद में अनीसुल गुरबा की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वजीर कोपला ईश्वर ने मंगल को नामपल्ली में जेर तामीर अनीसुल गुरबा का दौरा करते हुए मुकम्मल जायजा लिया। मीटिंग में MIM पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मुशीर अखिलती उमूर AK खान, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नदीम अहमद, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी बहबूद खवातीन व इतफाल दिव्या देवराजन ने शिरकत की। वजीर कोपला ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इस इमारत के तामीराती काम को तेज करें, जिससे यतीम बच्चों को रिहाइश की सहूलत होगी। वजीर आला KCR ने अनीसुल गुरबा की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अनीसुल गुरबा का आगाज निज़ाम के दौर में हुआ था, कोरोना वायरस वबा की वजह से तामीरी काम में ताखिर हुई है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि इस इमारत के पहले मरहले की तामीराती काम को रमज़ान तक मुकम्मल करें। आज कंस्ट्रक्शन कमेटी हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब उसमें मेन है और हमारे मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं, हम लोग मेंबर हैं, वफ प्रॉपर्टी है और मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि 4,000 गज जगह जो है ना RMB की जगह जो है ना CM साहब अनीसुल गुरबा को दिए और वफ को दिए। आज तक कोई गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करी, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे कमेटी जो भी है, कमेटी हमारी कमेटी भी जो है सीरियस लेके अभी इसका बीड़ा उठाए, जल्द से जल्द जो है ना इंशाल्लाह ताला रमज़ान तक ये अनीसुल गुरबा भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर 1st क्लास से 10th क्लास, 6th क्लास तक, 10th क्लास तक जो जो बच्चे हैं इंशाल्लाह ताला स्कूल भी चालू होएगा, हॉस्पिटल भी रहेगा, इसमें ऑफिसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी डिसीजन लिए कि कमर्शियल जो है ना ये नहीं करेंगे, मलिया नहीं देंगे, ऐसा मलिया जो है ना मलियों को भी कन्वर्ट करके जो है ना ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर, स्कूल्स का ऑफिसर्स है, जैसा कि और भी दूसरे कई चीज़ें आने वाले हैं यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को कैसा भी कमर्शियल को किराया देना है तो वो लोग किराया जो है ना वक्फ बोर्ड को देंगे और अनीसुल गुरबा को, उससे जो है ना इसकी आमदनी यहाँ पर बढ़ेंगी और बच्चों के लिए भी वो आमदनी सही रहेंगी और किराया सेफ रहता हो। अब आज देखिए, अब 20 करोड़ के करीब मदीना बिल्डिंग से आने का है किराया, कोई किराया देने को तैयार नहीं है वहाँ, 200 300 500 रुपये बोलते कैसा लेते। तो इसलिए जो है अल्लाह का करम ये है कि हम लोग आज बैठ के सीरियस डिसीजन लिए, मिनिस्टर साहब और हमारे मेंबर्स, सेक्रेटरी, CEO वगैरह, पूरे ऑफिसर्स, ऑफिशियल मीटिंग थी। मैं अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर टाइम दिए, और AK खान साहब और हमारे नदीम साहब, पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह सब लोग जो है ना आके काम के लिए सीरियस कॉन्ट्रैक्टर को और RMB डिपार्टमेंट को सबको जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है ना जल्द से जल्द इसका काम चालू होना है, फास्ट होने का है काम, क्योंकि अभी तक क्या है बहुत स्लो काम हो रहा था, पर अभी वैसा नहीं चलेगा क्योंकि रमज़ान में इंशाल्लाह ताला अनीसुल गुरबा की ओपनिंग करने का पूरा प्रोग्राम है,